इसराइल हमास युद्ध खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है। इसराइल की सेना युद्धक टैंकों के साथ सीमा पार करके गाजा पट्टी में घुस गई है। ऐसे में पहली बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आया है। पुतिन ने कहा कि गाजा में इसराइल द्वारा जमीनी ऑपरेशन के बाद बड़े पैमाने पर आम लोगों की जाने जाएंगी। इसराइली सेना द्वारा उत्तरी गाजा को खाली करने के 24 घंटे के अल्टीमेटम को भी पुतिन ने गलत करार दिया और कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुतिन ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमें रक्तपात को रोकना है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाना चाहिए और रूस दो राज्य समाधान का समर्थन करता है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी जोर देकर कहा कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश ही समस्या का हल है, जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलम हो, तब फिलिस्तीन इसराइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ रहेगा। उन्होंने माना कि इसराइल पर अप्रत्याशित क्रूर हमला हुआ है। पुतिन ने इसराइल पर हुए हमास हमलों की निंदा की और कहा कि निश्चित रूप से इसराइल के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इस जमीनी ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर लोगों की जाने जाएंगी, जिसे रोकना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं इसे देख रहा हूं, दो देशों की स्थापना के अलावा इस मसले का और कोई विकल्प नहीं है।